तो कैसे देखते हैं आप के फैसले को हाई कोर्ट हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसके बाद सात जज की बेंच होती है क्यूरिटी तक भी उसको हमें अपेक्स कोर्ट तक ये जाएगा मसला सर्वे नंबर फोर्टीन चामराज पेट की जो भूमिका है उड़ेयार की ज़मीन वक्त में हुई थी इसके फैसला करने का एक ही हक होता है लैंड ट्रिब्यूनल वक्त ट्रिब्यूनल को वक तो इसी अंदाज पे जब जय साहब कर्नाटक में अपने कई कई मसलों पे गए थे औरतों के मसलों पे गए थे बच्चों के स्कूल के मसलों पे गए थे गाय के मसलों पे गए थे तमाम ये मसले पे गए थे जाके हर मसले पे तो हार हुई ना तो ये मसले में जाने के कर्नाटक हाईकोर्ट को तकलीफ देने की ये लोगों को कोई जरूरत नहीं थी हक हाँ तो हमारा है हक हाँ ये हक हाँ में हमारा क्या है कि भाई गज़ट पड़ा है गज सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है हानरेबुल सुप्रीम कोर्ट का 1965 का आर्डर है वो आर्डर रख के हमें ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं हमारा टाइटल हमें कंफर्म नहीं किए ये टाइटल के बाद हमें जाना चाहिए था ये लोग तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इतना तंग कर रहे हैं कि भाई जो फैसला नहीं चाहिए वो फैसला ले रहे हैं इसमें गए कौन लोकल एमएलए जमीर अहमद साहब गए अपना चेयरमैन गए ये लोग बयान दे दिए तो कर्नाटक के कितने मुसलमान हैं एक लाख पचास सत्तर लाख मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान हैं इंटरनेशनल मुसलमान हैं तो ये तमाम लोगों को इन नवसर इतना अफेक्ट करा है एक दो मुसलमान एक आदमी बोलता है सी का टाइटल और वक्त का टाइटल और जमीर अहमद का टाइटल टाइटल किसका भी रहने दो जब तक लैंड ट्रिब्यूनल का ना हो हाईकोर्ट के बाद बात जाना था हमें हाईकोर्ट को कैसे गए सर्वे नंबर चालीस हमारा है है नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिस दी थी अपना डॉक्यूमेंट दो ये हॉस्टल में है दुश्मनागी में है हमारी तो हमें लीगल नोटिस में लीगल नोटिस दिया था कमिश्नर ऑफ पोलिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम और रेवेन्यू और ये वक्त के लोगों को इसका जवाब इन्होंने देना मांगता था दे सकते थे इसमें लिखा था मैं क्लियर से हमारा टाइटल मौजूद है चाहे तो हमारा डोट है तो वक्त ट्रिब्यूनल में कर लेंगे वक्त ट्रिब्यूनल में डाले हैं अच्छा वक्त ट्रिब्यूनल में स्टे नहीं देंगे स्टे नहीं चाहिए था हमारे को जय इसका तरीका यही था मेरे को इतने बेखूफ़ी कर रहे हैं ये लोग ये मजमे जमा के ये तमाम लोग ये इलेक्शन के और तमाम अपने पोजिशन के लिए वक्त बोर्ड का चेयरमैन जो साफी शादी है वो आदमी है और दूसरा एम एल ए भाई अपने इलेक्शन को मुद्दा रखते हैं अपने सीट की कुर्सी को रखते हैं एक सौ एक लाख हंड्रेड एंड फिफ्टी मुसलमान को लाख मुसलमानों की तोहिन कर रहे हैं ये ज़रूरी था कि भाई लैंड वक्त ट्रिब्यूनल हमारा बोलता कि भाई एडमिट कर लिए हमें हानरेबुल रेस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि भाई जब तक मसला हमारा ट्रिब्यूनल में ना हो कोई हम ना फैसला कोई वो चीज़ में गंदगी ना करे उसका स्टेटस को ऑर्डर ले सकते थे हम अभी गए यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हमें मिडिल कराए तुम्हें ये है उन्हें ही करना है ये ये चीज़ लेके जाना था तो इसके जवाबदार इसके जिम्मेदार सिर्फ दोनों आदमी हैं कि भाई जमीर अहमद एम एल ए है और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है ये दोनों के माल ये दोनों की चीज़ ये तमाम हिंदुस्तान की तम कर्नाटक की खुवत इनमें नहीं है मुसलमानों का माल ट्रिब्यूनल में केस डाल के ये केस का सिला लेके जब तक केस ना होता है आप एक ऑर्डर दीजिए वहां पे ना गणेशा बिठाएंगे ना चाहे तो हमें नमाज पढ़ेंगे जैसा है स्टेटस को दियो स्टेटस को में नमाज होती थी गणेशा की बात इस पचास साल से नहीं हो रही थी तो उसमें हमें पूछ सकते थे जितना हुआ है जो टाइटल रेवेन्यू का है एकदम गलत है अनलॉफुल है जो चीज अभी जो ऑर्डर लिए हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने देखते हैं कि अभी खून खराबा ना हो दोनों दोनों कम्युनिटी को जमा के रखेंगे तो आप गणेशा भी बिठाइए आप नमाज भी पढ़ लीजिए तो कहाँ का फैसला है तो ये फैसले को हमें सर झुका के मानना है अभी तो ये फैसले तक लेके गए कौन है तो इनके लीगल टीम के क्या चीज़ के लीगल टीम मुसलमान है मुसलमान खुद है लीगल टीम कोई आदमी लीगल टीम नहीं है हम ना एक ही टीम है तो मुसलमान है वो वक्फ बोर्ड में हमें केस डालेंगे वो केस लेके हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोलें या हाई कोर्ट में बोलें जब तक केस के उसमें स्टे नहीं देता जैसा वो स्टे दिए हैं तो मगर ये तो बोल सकते हैं ये तो फैसला वो करेगी जब तक फैसला करेगी हमारे को टाइम दो फैसले में भी ये लाएंगे हमें 1965-7 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ऑर्डर को हमें दाखिलात बनाएंगे गजेट बनाएंगे कहाँ है सीएमए कहाँ है चेयरमैन कौन है सीईओ कौन है एमएलए क्या हो रहा है ये ऑर्डर ये आज हमें हाईकोर्ट का नहीं कल डबल बेंच को गए परसों सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर झुकाएंगे नहीं तो गोली पड़ जाएगी मुसलमानों के ऊपर सर तो झुकाना है मगर इतना सर झुकाने के लिए रखे कौन है तो इसलिए मेरी बात है कि भाई जो फैसले के लिए गए तलब करें सरासर गलत है नादानी है बच्चों वाली काम है तो ये काम टाइटल के लिए हम पूछा था हम बोला था टाइटल वक्त ट्रिब्यूनल से होता है वक्त ट्रिब्यूनल का पेपर हमें वहाँ पे देना था सुप्रीम कोर्ट का पेपर 1965 का वक्फ़ में देना था गज़ट का देना था ये आपके पास नहीं है ऐसे आप तो मैं तीनों लोगों के पास ज़मीर के पास वक़ के अवाफ़ के पास और सी एम ए के पास आप भाग जाइए आप छोड़ दीजिए रिजाइन कर दीजिए मुसलमान के तोहीन मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम उसका का, करने का काम ये बोलता है अपना चेयरमैन बोलता है तुम एम एल ए सही किया किसको पूछ के किया क्या किया क्या मसला किया क्या लीगल ओपिनियन है किसकी लीगल ओपिनियन है रखो ना एक लाख मुसलमान के सामने तो ये तो नादानी हुआ है अनलाफ़ुल काम करके रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट को तकलीफ दिए हैं एकदम उन्होंने तकलीफ में पहुंचाए अभी एक लाख साठ लाख मुसलमान को भी तकलीफ आ गई हमें सर झुकाना है हमें कानून को मानना है जो करना है उनके पास उनकी चीज उनके आहुदा उनके चेयर के लिए हर चीज छपा ली उन्होंने पेपर कागजात होना है है हमारा उसके ऊपर हमें ट्रिब्यूनल को जाके स्पर्द सेवन जजेस बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब डिस्प्यूट आता है डिस्प्यूटेड मैटर को अपे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दखल नहीं देंगे ये तो डिस्प्यूटेड मैटर है कैसे दखल देने रखे क्यों लाए तुम्हें इसको हरगिज डिस्प्यूटेड छोटी एंट्री का डिस्प्यूट है एक रुपया टैक्स की एंट्री है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आएगी उसका अथॉरिटी जो ट्रिब्यूनल है रेवेन्यू ऑफिसर है जो कोर्ट है वही करेगी उसके बाद हमें जाना इसको कौन सलाह दिए है लोगों को इसलिए सरासर गलत काम किए गलत आर्डर मुसलमानों के ऊपर डाले इनके ऊपर अभी मेरे ऊपर मुसलमानों अल्ला की अल्लाह की लानत बख्शेगी ये लोगों के ऊपर

सेवन जज बेंच ऑफ हॉनरेबुल सुप्रीम कोर्ट को देखना आया हमें क्या ऑर्डर देंगे तो देंगे कि भाई जब पुलिस का एफ नहीं तो सेवन जज बेंच कहाँ से देगी रेवेन्यू टैक्स का रसीद नहीं तो कहाँ से देगी ऐसा ट्रिब्यूनल का हमारे पास ऑर्डर नहीं है ट्रिब्यूनल को ही का नाम जब आ गया हिंदुस्तान के पूरे कोर्ट्स मर गए पहले मेरी औलाद मेरी है मेरी माँ मेरी है मेरी बेटी मेरी है मेरी बीवी मेरी है ये तो मेरे को राइट चाहिए ये एंटरटेनमेंट चाहिए मेरे को ये हक मेरे को चाहिए ये नहीं तो क्या कर रहे हैं तुम्हें ये माल मेरा है मैं माल मेरा का है तो इसलिए सी एम ए औब वाक सी ओ चेयरमैन कोई एम एल ए वो लायक का नहीं है ये चीज उठा के करने के आगे कोई इस मामले में कोर्ट से होंगे हाँ जरूर होगा मेरा तो लीगल नोटिस पड़ा है लीगल नोटिस में सर्व किया हूँ ये लोगों के ऊपर मैं तो इसमें इंटर मुझे यही काम है क्या मैं मुझे आलम पाशा का नाम है 160 लाख मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं मुझे यही काम है क्या इन लोग ये काम करें जाके रिप्रेजेंट करें हमें वक्त में जाते हैं ये ना ट्रिब्यूनल में जाते हैं ये लोग गंदगी करते रहे गला काटते रहे लोगों को उसमें जाके हमें क्यों काम करें तो हमें अभी जाना जरूरी है नहीं तो जाएगा ये अभी रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट जो है सरकार का काम है पीसफुल रखना अमन रखना अमन के ऊपर काम करना सरकार भी अभी जैसा ये मुसलमान करे ये तीनों लोग करे ऐसा सरकार भी मेरे मुझे उम्मीद है कर का सरकार भी ये काम बहकावे में काम नहीं करेगी सही काम करेगी मगर हमें बगैर बच्चे को एल के जी यू के जी टेंथ पी यू सी नहीं सो आई एस बना के हैं ये ये तीनों लोग आई ए एस कैसा बन जाएगा क्या काम करेगा कहाँ पे आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट हमारे को क्या फैसला देगी जब फैसला हमारे को पुराना सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है वो डाले क्या उधर पे

क्या आप इनकी इस्तीफे का डिमांड हैं आप सेकेंड जो बात बोले वो सही है उनको प्रोटेक्शन आता ही नहीं है उनको कानून आता ही नहीं है उन्होंने ना, ना लायक हैं लायकमंद आना है वो बात मैं पहले से बोल रहा हूँ इसमें ना लायक वो एरिया का एम है वो एरिया के दूसरे हैं तमाम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स में है और सी ओ है और वक्त चेयरमैन है और पूरे छः मेंबर्स हैं ये लोग इस्तीफा फ़ौरन देना है जितना जो, जो लोगों को धक्का दिए 160 लाख मुसलमानों के आंख में पानी आंसू निकालने वाले तुम्हें कुर्सी पे नहीं गद्दे पे भी बैठने के लायक नहीं है